प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज जैसा कि 22 मार्च 2020 आज जैसा कि हमारे देशवासियों ने जो है जनता कर्फ्यू जो है मनाया, तो उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा, अच्छा रिस्पांस आया और आगे उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ने वाला है। कोरोना वायरस COVID-19, CO दैट मीन्स कोरोना, VI दैट मीन्स वायरस एंड D फॉर डिजीज, जो कि 2019 दिसंबर से स्प्रेड होना शुरू हुआ और चाइना से स्प्रेड हुआ शुरू हुआ और सभी देशों में, तो इसीलिए उसे पेंडेमिक जो शब्द है, जो एंडेमिक होता है, जो कि लोकल एरिया में जब कोई इन्फेक्शन हो तो वह होता है। और उसके बाद जो है पेंडेमिक मीन्स पार, या जिसे पैन जिसे हम बोलते हैं जिस तरह से, सो दिस इज पैन वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड यह इन्फेक्शन किया, इसलिए दिस इज पेंडेमिक। तो डिक्लेयर हुआ, WHO ने भी डिक्लेयर किया और फिर देशों ने भी इस चीज को माना और अपनी अपनी जगह पे इसको जो है डिक्लेयर किया गया। तो जब हम पेंडेमिक हुआ तो यहां यह शब्द अपने आप में ही संसार को, वर्ल्ड को जोड़ दिया, यूनाइट कर दिया इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए। हालांकि इससे पहले भी 2004 में और इससे समय समय पर जो है, जैसे कि सार्स था उस टाइम, और उस टाइम भी मुझे याद है 2004 में भी जो है जो बच्चों के खिलौने थे, जो कि स्टफ टॉयज जो कि जनरली जो है वहां से चाइना से आते हैं, तो उनको उस टाइम जो है बैन हो गया था और लोगों ने अपने घरों में जो रखे हुए थे तो उनको फिर जो है कूड़े में फेंक दिया था या अपने आगे मेड सर्वेंट्स को दे दिया था या आगे, मतलब उनको घर में उन्होंने फिर नहीं रखा था। उस टाइम एक ऐसा, उस समय में भी एक ऐसा डर हो गया था तो कि जो भी सामान जो है, जो स्पेशली जो टॉयज जो थे, तो वह मुझे अच्छे से याद है। तो इस प्रकार से यह जो बीमारी फैली और अब इसको रोकने का, जैसे वायरस है तो वायरल का जो रहता है 14 डेज इसका जो है इनोकुलेशन पीरियड है जो इसका, तो इसीलिए जो है 14 डेज का जो है क्वारंटाइन कहा जा रहा है, तो करना जरूरी है जो कि अगर इन्फेक्ट कोई पर्सन हो चुका है। तो जैसे कि अब हम, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली और जैसे कि मैंने 26 दिसंबर 2019 को जो सोलर इक्लिप्स के दिन मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था कि अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन जिन लोगों की हॉरोस्कोप की युति में है, बर्थ चार्ट में है, तो उनको 108 दिन जो है केयरफुल रहना चाहिए। 108 दिन जो है वो 12 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने उसको डिटेल में पूरा स्टडी किया तो मैंने पूरा ही निकाला और दिस ईयर जो था लीप ईयर भी था, तो लीप ईयर में 29 डेज का जो है फरवरी रहेगा और जनवरी, फरवरी, मार्च, और 6 दिन जो है हमारे दिसंबर के, और इस प्रकार से जो 108 दिन है वह 12 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। अब उसके बाद में फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज को है, जो है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को लेकर के कोरोना वायरस की मैंने दो वीडियोस डाली, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और आज हम बात करते हैं, जैसा उस समय भी मैंने कहा था, उस वीडियोस में भी मैंने कहा था कि जो है हमारे देश में इसका जो है तोड़ निकलेगा और हम एक तरह से इसको जो है ठेंगा दिखाएंगे कोरोना वायरस को, और जो ग्रह स्थिति है, जो प्लेनेटरी ग्रह स्थिति है, उसका हमारे देश को बहुत सुंदर लाभ होने वाला है। और देखिए समय के हिसाब से वैसे ही सुंदर डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट द्वारा भी लिए गए, जैसे कि आज का जनता कर्फ्यू जो था वह हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, उन्होंने एक तरह से ऑर्डर नहीं था, उन्होंने एक तरह से हम्बली रिक्वेस्ट करी और कहा कि जनता इसमें इन्वॉल्व हो, और बहुत ही सुंदर इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हुए, जैसे कि आपने इस वीडियो के शुरू में ही सुना होगा कि थाली और क्लैपिंग्स की आवाज। मैंने अपने आसपास के घरों में भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो है 4 मिनट थे तो उन्होंने पहले ही थाली बजा दी, तो इस तब तक मैं अपना मोबाइल लेकर के मैं उसको रिकॉर्ड करती, तब तक वो जो है उन्होंने बंद कर दिया। फिर किसी घर में मुझे किसी आवाज आई साइड वाले घर से, तो फिर मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश, वो टाइम जो था वह 5:05 था, कहीं पे 5:08, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है वेरिएशन में रहा। जो बाहर लोग खड़े हुए थे तो लोगों ने क्लैपिंग भी करी, तो इस तरह से ये एक अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, हम लोग सभी सजग हैं
और सभी ने इसकी सीरियसनेस को समझा। और ताली और थाली बजाने का एस्ट्रोलॉजिकल एक वो अलग है कि उसकी रेमेडी जो है, आज का दिन बड़ा शुभ मुहूर्त था, उस समय में ये किया गया, उसका बहुत सुंदर लाभ होगा, लेकिन अपने आप में ये बताता है कि हमारे देश की जनता अब जागरूक है, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया। पूरी तरह से जो है, आप देखें कि सड़कें जो हैं खाली रहीं, और इवन द जो इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी एकदम सन्नाटा था, व्हीकल्स बहुत कम चले, तो एक तरह से ये सफल पूर्वक जो है जनता कर्फ्यू रहा। अब बात करते हैं जो मैंने कहा था कि जो हेल्थ जो है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन जो है वो बनेगी हमारे देश में, और जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं अगर वो इन्फेक्टेड भी हैं तो वह भी ठीक होकर के, क्योर होकर के राजी खुशी अपने अपने देश को जाएंगे। तो आज जो है मंगल जो है वह मकर राशि में चले गए। मंगल जो है मकर राशि जो है उनके लिए उच्च है, उच्च राशि में गए हैं, और शनि और मंगल की जो युति रहती है वे मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत शुभकारी होती है। डॉक्टर्स की पत्रियों में हम देखेंगे तो उसमें जो है शनि मंगल की युति रहेगी, या शनि और मंगल का जो है दृष्टि उनका रहेगा, एक दूसरे पर सुंदर दृष्टि सहयोग उनका रहेगा होता है। और दूसरा जो है आगे अभी 29 मार्च को जो है जुपिटर जो, और अब तक जो था जुपिटर और मंगल की युति थी जो कि धनु राशि में थी, वो अपने आप में अब अगर आप 40 दिन पीछे चले जाएं, जब जो है फरवरी में ये युति शुरू हुई बृहस्पति और मंगल की, तो आप डेटा देखेंगे तभी से जो है हमारे देश में यह खबर आने लगी कि हाँ जो अब पेशेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत सारे ये डिक्लेयर हुए कि पेशेंट जो है ठीक होकर के हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के घर चले गए हैं। वे वही समय रहा जब बृहस्पति और मंगल, ये दो युतियां जो रहती हैं और इनके दृष्टि संबंध जो रहते हैं, मंगल जब बृहस्पति के साथ हो तो वह मेडिकल प्रोफेशन के लिए और हेल्थ एस्पेक्ट पे बहुत सुंदर होता है। उसी प्रकार से मंगल और शनि की अगर युति हो या उनका जो दृष्टि संबंध हो तो वह भी मेडिकल एस्पेक्ट से बहुत शुभकारी होता है। इसी प्रकार जब हम पत्री देखते हैं तो जब बीमारी के लिए देखते हैं तो अगर यह युति आती है सिक्स स्थान में या कहीं हुआ तो वह काफी अच्छा माना जाता है कि पेशेंट के लिए वो उससे उबरेगा और अच्छा रहेगा। और अब 29 तारीख को फिर से जो है वहां पे आप देखिए मकर राशि में जो है बृहस्पति मंगल और शनि तीनों की युति हो जाएगी। तो क्या हो गया, एक तरफ देखिए शनि मंगल, एक तरफ शनि और बृहस्पति, एक तीसरी जो रहेगी बृहस्पति और मंगल, तो ये तीन प्रकार की युतियां हो गई जो कि मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ही शुभकारी होती हैं। तो उस समय में और भी अच्छा जो है ट्रीटमेंट हमारे देश में आने की जो है उम्मीद है और बहुत शुभकारी होगा। और अब तक जो दूसरा रहा जो बृहस्पति और केतु, वह अपने आप में केतु जो इस तरह की वायरल, इस तरह की डिजीजेस देते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस देते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंगस है, फंजाई है, इस तरह के जो इन्फेक्शंस देते हैं केतु, और बृहस्पति के साथ में होने में वह भी बहुत शुभकारी रहे। और उसके बाद में अब जून तक जो है, हालांकि बृहस्पति जो है नीच हो जाएंगे मकर राशि में, लेकिन यहाँ बात युति की है और हमें देखना यह है कि वह क्या कॉम्बिनेशन, क्या जो परिणाम जो है वो देने वाले हैं। तो वहां हम क्योंकि टोटली हम हेल्थ एस्पेक्ट से इसको देख रहे हैं, और नीच राजयोग भंग, नीच भंग जो है राजयोग भी एक तरह से जो बन रहा है, अगर हम योगों की बात करते हैं तो नीच भंग जो है राजयोग बनेगा। तो राजयोग तो अपने आप ही हो गया ना, अपने आप शुभकारी हो गया कि जब हमारे देश में हमारे देश की सरकार के माध्यम से, हमारे देश की सरकार के एफर्ट्स के माध्यम से जब जो है यहाँ की जनता को लाभ हुआ और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको लाभ होगा, तो अपने आप से आप देखिए हमारे देश की सरकार के लिए जो राज है उसके लिए कितना शुभकारी योग है और यह शुभकारी होगा। तो इस प्रकार से यह युति भी आगे बहुत सुंदर होगी और आप देखेंगे। और उधर जैसा कि मैंने पहले ही बोला था दिसंबर में कि 12 अप्रैल तक जो है इन युति जिनकी मैंने बताई है पितरी में कि अगर इस तरह की हैं तो वह 12 तारीख जो 108 दिन है वह भी 12 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से आगे आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है हम जो तारीफ की बात है वो हमारी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज जो हमारे मेडिकल ऑफिशियल्स हैं, चाहे सेक्रेटरी लेवल पे या हमारे एडवाइजर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स रहे, उनको भी हमें जो है सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ही उनके एडवाइजरीज को ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखता हुआ, नज़र में रखता हुआ, और हमारे रिसर्चर्स, और सबसे ऊपर जो हमारे रिसर्चर साइंटिस्ट जो कि लैब्स में लगे हुए हैं, जो कि देख रहे हैं, जिन्होंने कि उस डेटा को कलेक्ट किया कि इसके वायरस में, इस वायरस में क्या क्या जीनोम कॉम्बिनेशन है, किस तरह का इसका जीनोम है, जिसको स्टडी किया, तो उन सभी को हम सल्यूट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस, हमारे रिसर्चर्स। तो यहाँ पर यह मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, और यह आगे आने वाले हमारे लिए बहुत शुभकारी होगा। और आगे एक मैं देने जा रही हूँ, 2000 जो हमारी 25 तारीख से जो हमारी चैत्र की जो है शुरू होने वाली है नवरात्र, उसके ऊपर मैं, और हमारा जो संवत्सर है जो 2077, उस पर भी एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।